हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, असम राइफल्स ने टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के 161 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। असम राइफल्स के अंतर्गत टेक्निकल और ट्रेड्समैन के 161 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। आप 21 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। 10वीं बारी पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन करके इसमें से पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पर असम राइफल्स का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। यहां पर आकर आपको सबसे पहले असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2024 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहां पर आपको ट्रेड सेलेक्ट कर लेनी है, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहां पर ट्रेड सेलेक्ट करें। उसके बाद यहां पर आपको ट्रेड के अकॉर्डिंग आपकी कास्ट शो कर दी जाएगी, किस कास्ट में यहां पर इस ट्रेड में वैकेंसी है। फिर यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें या फिर नो करें। अगर यहां पर इस ट्रेड के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल होगा तो ये यहां पर आपको एक्टिव कर दिया जाएगा, नहीं तो ये ऑप्शन यहां पर आपके लिए डिसेबल कर दिया जाएगा। फिर यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ईएक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, नहीं है तो आप नन ऑप्शन सिलेक्ट करें। इस ट्रेड के अकॉर्डिंग यहां पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो कर दिया जाएगा। आपका 10वीं क्लास पास होना जरूरी है हवलदार सर्वेयर आईटीआई ईएनजीआर की पोस्ट के लिए। बाकी की पोस्ट के लिए भी यहां पर ऐसे ही अप्लाई होगा। हम आपको हवलदार सर्वेयर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे। तो यहां पर आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको शो कर दिया जाएगा। अगर आपको आप इस क्राइटेरिया को मैच करते हो तो आपको यहां पर आई एग्री इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहां पर आपको अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, मिस्टर या फिर मिसेज। उसके बाद यहां पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना फर्स्ट नाम यहां पर एंटर कर देना है, फिर मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम, अगर है तो, नहीं है तो इन्हें खाली छोड़ दें। फिर यहां पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम यहां पर एंटर कर देना है। फिर यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ DDMMYY फॉर्मेट में एंटर कर देनी है। फिर आपको अपना रिलीजन यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहां पर एंटर कर देनी है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है, आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। नेक्स्ट यहां पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है, कोरोस्पोंडेंट एड्रेस। फिर यहां पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंट स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, अपना पिन कोड एंटर करना है। फिर यहां पर आपको अपनी कास्ट सेलेक्ट कर लेनी है, उसके कास्ट आप यहां पर आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड मिल जाएगी। फिर यहां पर आपको उसका नाम, अपनी कास्ट का नाम एंटर कर देना है यहां पर। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले आपको 10वीं क्लास की यहां पर डिटेल प्रोवाइड करानी है। अगर आपका रिजल्ट ग्रेडिंग सिस्टम में था तो आप इस ऑप्शन को, इन चेकबॉक्स को ओके कर दें, नहीं था तो यहां मार्किंग में था तो आपको इसे चेकबॉक्स को ओके नहीं करना है। तो यहां पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहां पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर यहां पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहां पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद यहां पर हवलदार की इस पोस्ट ट्रेड पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास होना जरूरी है, प्लस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यहां पर आपके पास कोई डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी जरूरी है। तो यहां पर आपको सबसे पहले बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जिससे आपने सर्वेयर का ये डिप्लोमा
डिप्लोमा पास आउट कर रखा है। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको पासिंग ईयर यहाँ पर एंटर करना है, कब आपने इसे पास आउट किया है, टोटल कितने मार्क्स थे, उसके बाद कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो एंटर कर देने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहाँ पर अगर आपने बारहवीं क्लास ग्रेजुएशन या फिर कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो उसे सिलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर प्रोवाइड करा दें। और अगर नहीं कर रखा है आपने बाकी आगे की क्वालिफिकेशन तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है, अगर आपने कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन कर रखी है, उसके बाद अगर आपने कोई और क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट अपलोड करना है, यहाँ पर आपको आर यू एग्री टू अपलोड रिजल्ट ऑनलाइन, तो यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और अपना रिजल्ट अपलोड कर देना है अगर आप ऑनलाइन अपलोड करना चाहते हैं। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट का टाइप सेलेक्ट कर लेना है, डिपार्टमेंटल या फिर गवर्नमेंट। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर अपना आईडी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप सिलेक्ट करें जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, और फिर यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करके अपना आईडी कार्ड यहाँ पर आप अपलोड कर दें। फिर यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इनके आंसर्स यहाँ पर चेकआउट या फिर नॉन चेकआउट करके प्रोवाइड करानी है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, यहाँ पर अपना प्लेस एंटर करना है, सभी डिटेल्स क्लियर करनी है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिल करना है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा, आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करनी है और फिर आपको अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप रिव्यू एंड एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको प्रिंट एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और अगर आप एक्नॉलेजमेंट की स्लिप का भी प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एक्नॉलेजमेंट का भी एक प्रिंट आउट ले सकते हो। प्रिंट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर आप प्रिंट बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपना आसाम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन का फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।